हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियलमी 7 के ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि रियलमी 7 में गूगल का डायलर दिया गया है, जिसमें कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है। रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब आपका कॉल कनेक्ट हो जाता है और वो आपको मैनुअली उसको ऑन करना पड़ता है, जिसमें कि सामने वाले को एक नोटिफिकेशन जाता है, एक वॉइस मैसेज सुनाई देता है कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी के कारण होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप इसमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसमें मोबाइल और उसका वर्जन बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो रियलमी के जो ओल्ड फ़ोन है, जिसमें कि रियलमी का डायलर दिया होता था, उसको ओपन करके उसकी सेटिंग्स में बता रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि रियलमी 7 और 7 प्रो में जो है वो गूगल का डायलर दिया गया है, जिसमें इंटरनली ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपना फ़ोन का वर्जन दिखा देता हूँ। अबाउट फ़ोन में पहले आपको दिखा देता हूँ, डिवाइस नेम देखिए आप, रियलमी 7 है, 6 GB रैम, एंड्रॉयड 10 पर ये बेस्ड है। और सॉफ्टवेयर वर्जन आपको दिखा देता हूँ कि लेटेस्ट जो इसका वर्जन है वो है RMX 2151.11a.61। तो ये इसका वर्जन हो गया। ये दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें इंटरनली कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सके। साथ ही बहुत सारे ऐप मैंने ट्राई किए, लेकिन सभी में ऐसा होता था कि केवल एक साइड की वॉइस रिकॉर्ड होती थी, सामने वाले की वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती थी। तो इसके लिए मैंने एक जो एप्लीकेशन ढूंढा है, जिसमें कि दोनों पार्टीज़ की वॉइस बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड होती है और प्रॉपरली ये वर्क करती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और उसमें टाइप कीजिए CUBE Cube ACR। ये लिख के आप पहला देखिए ऑप्शन जो इसमें है, कॉल रिकॉर्डर क्यूब ACR, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, इसको आप फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। अभी इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों। इसको इंस्टॉल होने के बाद आप डायरेक्ट प्ले करेंगे तो इसमें आपको रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, इसमें आपको कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। अब आप इसको ओपन करिए, इसमें जो भी परमिशंस मांगेगा उसमें आपको सब में इसको अलाउ ही करना पड़ेगा। वेलकम टू क्यूब कॉल रिकॉर्डर, वेलकम स्क्रीन है, इसको नेक्स्ट करते हैं, एग्री। क्यूब कॉल रिकॉर्डर नीड्स दीज परमिशन टू एबल टू डू फॉलोइंग, ये कुछ परमिशंस हैं। करंट परमिशन पर आप नीचे क्लिक करिए, एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स अलाउ कर दीजिए, फोन कॉल्स अलाउ करना पड़ेंगे आपको, सब कुछ इसको अलाउ कर दीजिए आप, जो जो पूछते हैं आप। अब आपको जो ये एनेबल ओवरले, इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए बोल रहा है, तो इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले ओवर द ऐप्स आ गया ऑप्शन, सबसे ऊपर आपको क्यूब ACR दिख रहा है, इसको आप ऑन कर दीजिए। अब फिर हम बैक जाते हैं, इनेबल ऐप कनेक्टर, इसको आप क्लिक कीजिए। ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में आ गए, इसमें सबसे नीचे आपको मिलेगा क्यूब ACR ऐप कनेक्टर, ये अभी ऑफ दिख रहा है, इसको आप कीजिए तो ये ऑन हो जाएगा, इसको आपको ओके करना रहेगा। ये अभी यहाँ से ओके नहीं हो रहा दोस्तों, तो इसको आप बाद में भी ओके कर सकते हैं। तो फिर से हम बैक जाते हैं, इसको इनेबल आपको करना ही पड़ेगा। इसको आप इनेबल कर दीजिए, अभी ओके पे इसको क्लिक कर दीजिए। अब ओके पे आपने क्लिक कर दिया है, तो अब इसको वापस से आपको बैक में जाना पड़ेगा। डिसेबल पावर ऑप्टिमाइजेशन फॉर क्यूब, अब दोस्तों ये आपको कह रहा है कि इसको आपको पावर ऑप्टिमाइजेशन को भी इसको आपको ओके करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी सेटिंग्स में आपको बाद में बताऊँगा कि कैसे करना है। जियो टैगिंग आप करना चाहते हैं यस, या नहीं करना चाहते तो नो थैंक्स पे आप इसको क्लिक कर दीजिए। यू कैन एनेबल इट लेटर वाया सेटिंग्स, ओके। ओके दोस्तों, ये आपका सेटअप इसमें कंप्लीट हो गया है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन से कॉल्स पे लगाना, तो अभी के लिए इसको हम फ़ोन पे क्लिक करते हैं। अभी आपके डायलर में आ गया, अब आप यहाँ से अपना फ़ोन डायल करके इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ सेटिंग्स इसमें दोस्तों आपको करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं इसको मिनिमाइज़ करके वापस से क्यूब ACR को ओपन करता हूँ। इसको आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आप ये जो तीन डॉट दिए गए हैं इसको खोलेंगे तो इसमें आपको देखिए ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है। इसमें सेटिंग्स में आपको पहला ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्डिंग का, तो सबसे पहले आप उसको क्लिक कीजिए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो रिकॉर्डिंग,
इसको इनेबल ही रहने देना है, आपको ये पहले से इनेबल है, इसको इनेबल ही रहने देना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको फ़ोन रिकॉर्डिंग में सेलेक्ट करना है फ़ोन रिकॉर्डिंग ऑडियो सोर्स, इसको आप क्लिक कीजिए। इसमें दोस्तों आपको फ़ोन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो सेकंड नंबर का है उसको आपको सिलेक्ट करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें आपको सिलेक्ट करना है वॉइस कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो कि सेकंड नंबर पे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए बस। इसके बाद इसमें आपको कोई भी सेटिंग काम की नहीं, इसको बैक आ जाइए। एक बार फिर से सेटिंग खोलिए, इसमें आपको देखिए मिलेगा रिकॉर्डिंग के नीचे बैकअप एंड स्टोरेज, उसके नीचे मिसलिनियस। मिसलिनियस सेटिंग्स को आप जब खोलेंगे और इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसमें नीचे तीन चार जो है वो सेटिंग्स के डिटेल दिखेंगे। इसमें सब आप पहला खोलेंगे गो टू क्यूब ACR ऐप डिटेल्स, इसको आप ओपन करिए तो ये आपको खुल गया। इसमें आपको बैटरी यूजेस पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है अलाउ फोरग्राउंड एक्टिविटी, ये ऑन है। अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, इसको दोस्तों आपको ऑन ही रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि अगर आप इसको ऑफ रहने देंगे तो जैसे ही ये एप्लीकेशन रैम में है ओपन तब तो ये काम करेगी, और जैसे ही आपने रैम से क्लियर कर दिया तो उसके बाद जो भी आप कॉल करेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन को हमेशा इनेबल करके रखना पड़ेगा। फिर हम बैक आते हैं दोस्तों, एक बार हम और भी सेटिंग्स चेक कर देते हैं। गो टू ऐप कनेक्टर सेटिंग्स, इसको भी चेक कर लेते हैं। हमने उस टाइम ऑन तो किया था इसको, जी बिल्कुल ये ऑन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं गो टू एप्लीकेशन ओवरले सेटिंग, ये भी हमने ऑन की थी, ये अभी भी ऑन है, ओके है। गो टू बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हम ऊपर से अभी ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई दोस्तों इसकी सेटिंग। इसमें अगर आपको यूज़र इंटरफेस में भी कोई सेटिंग करनी है चेंज तो आप कर सकते हैं, जैसे हाइड रिकॉर्डिंग विकेट, जो रिकॉर्डिंग का विकेट आता है जब आप इसको ऑन करते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होती तो एक बटन आता है, उसको आप या तो हाइड कर सकते हैं या उसकी पोजीशन लेफ्ट कर सकते हैं या थीम इसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब आपके दोस्तों चॉइस पे है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। तो ये इसका सेटअप हो गया दोस्तों। अब मैं आपको इसको, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो कॉल इसमें इसका रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा, आप दोस्तों इसको चेक करिए ऐसी सेटिंग्स करके, आप भी इसको कॉल रिकॉर्डिंग करके देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके फ़ोन में भी कॉल रिकॉर्डिंग इसमें प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। इसमें पूरा प्रॉपरली रिकॉर्डिंग होता है दोस्तों, मैंने इसको चेक किया है, दोनों आवाज़ें बिल्कुल क्लियर सुनाई देती हैं, साथ ही उनका नंबर भी आता है जिसको आपने कॉल किया है। सो एक ही बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसको ट्राई करके देखिए, रियलमी 7 में और आई थिंक 7 प्रो में भी ये काम करेगी, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके फ़ोन में ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ दिखा सकें।